एवरीबॉडी, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे. ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 4, रिएक्शन टू इंपीरियल हेजेमोनी, है ना. हिंदी में बोलेंगे साम्राज्यवादी, ठीक है, जो शक्ति था उसके विरुद्ध रिएक्शन, प्रभुत्व, सामाजिक साम्राज्यवादी. हेलो, सुन पा रहे हो आप लोग? चैप्टर 4 हिस्ट्री, साम्राज्यवादी हेजिमोनी मतलब प्रभुत्व, रिएक्शन मतलब क्या बोलता है, प्रतिक्रिया. तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था हम लोग देखे थे लास्ट चैप्टर तक, किस तरह भारत में स्पेशली बंगाल में स्थापित होता है. ठीक है, और अंग्रेजी रूल स्थापित होने के बाद हम लोग देखते हैं किस तरह से जो अंग्रेज होते हैं अपने साम्राज्य का यहाँ पर विस्तार करते हैं, और इसी के तहत उन लोग बहुत सारे लैंड रेवन्यू सिस्टम लाते हैं, है ना, भू राजस्व नीति, और अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एक तरफ देखो कि किस प्रकार अंग्रेजी शक्ति स्टार्ट हुआ. हम लोग अगर लेसन 2 से देखें तो वहां पे कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म था, किस प्रकार साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद आया. उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे चल के लेसन 3 में किस प्रकार फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर बना. ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे बढ़ा. आज हम लोग देखेंगे कि भारतीयों का क्या रिएक्शन था, ये जो अंग्रेजी सत्ता जो स्थापित हो रहा था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो पूरे भारत पे स्थापित हो रहा था, इस प्रक्रिया में भारतीयों का क्या योगदान था, क्या वो लोग विरोध कर रहे थे, क्या वो लोग समर्थन कर रहे थे, उन लोगों का क्या स्टेटस था. ठीक है, तो ये जानने से पहले हम लोग को ये बड़ा ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन है कि कौन विरोध कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी है. बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे. शुरू में तो भारतीयों को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग के साथ शोषण हो रहा है और हमारा अत्याचार हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है. लेकिन बाद में जाकर जब उनको एहसास होता है तो ये लोग रिएक्ट करते हैं. क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. साम्राज्यवादी जो शासन व्यवस्था जो स्थापित हुआ है, ठीक है, कोलोनियल गवर्नमेंट जो स्थापित हुआ, उसके विरोध में. अब क्या है, हम लोग को कुछ बेसिक क्वेश्चन जानना पड़ेगा कि ये है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि कौन रिएक्ट किया, हु रिएक्टेड. भारतीयों में अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेड कौन किया, रिएक्शन कौन शुरू किया, अगेंस्ट हुम, किसके विरुद्ध में रिएक्शन या प्रतिक्रिया शुरू. अंग्रेज शासन व्यवस्था होती है, किसको विरोध किया, तो अंग्रेज को ही करेगा ऑब्वियसली. रिएक्शन कहां स्टार्ट हुआ, रिएक्शन क्यों हुआ, एंड हाउ रिएक्टेड मतलब किस प्रकार रिएक्ट किया. तो बेसिकली एक लाइन है, इसको ध्यान से समझना है कि ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो स्थापित हुई, या हम लोग पूछ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो इसके विरुद्ध में कौन रिएक्ट किया. ठीक है, इसके विरुद्ध में कौन रिएक्ट किया और अगेंस्ट, ठीक है, किसके विरुद्ध में किया, हु रिएक्टेड, कौन रिएक्ट किया, कहां रिएक्ट किया, क्यों रिएक्ट किया और कैसे रिएक्ट किया. इन कुछ मौलिक प्रश्न है जिसको हमको जानना पड़ेगा. आपको देखो कॉमन से अगर इंडिया में बोले कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का, पर सबसे पहले आप लोग बोलो अगर किसी को पता है, किन लोगों ने सबसे पहले विरोध किया, किन लोगों ने विरोध किया, अगर किसी को पता है तो बोल सकते हैं. तो इसका उत्तर है क्या, मिडिल मध्यवर्गीय, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग जो थे, उन लोगों ने सबसे पहले जो था ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया, रिएक्शन किया. अब है ये जो रिएक्शन किया, ठीक है, मिडिल क्लास ही क्यों किया, ठीक है, ये भी एक प्रश्न है. देखो तो इसके लिए एक थ्योरी है आप लोग का, इसलिए हमने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस लेसन 5 पढ़ेंगे तो और हम लोग को ये चीज क्लियर होगा. तो मार्क्स का थ्योरी जानना पड़ेगा. मार्क्स का कहना है कि कितना भी जो ज्यादातर रिएक्शन आता है या रिवोल्यूशन कुछ भी आता है, उसमें जो होता है ना सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो वो मिडिल क्लास का होता है.
तीन क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सबसे बड़ा योगदान होता है मिडिल क्लास का। उन्होंने कारण बताया, ठीक है, कि मिडिल क्लास इसलिए आंदोलन करता है। किस लिए आंदोलन करता है? इस देखो, सबसे पहले अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास के पास जो है उसके पास बेसिक नीड नहीं है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ही नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारे पास खाने का नहीं रहेगा तुम किसी का विरोध नहीं करोगे, ठीक है, तुम अपना जुगाड़ करो या कोई आंदोलन के बारे में सोचोगे भी नहीं। सोचोगे? नहीं सोचोगे, ऑब्वियसली नहीं सोचोगे कि सब कुछ कुछ भी है ही नहीं है। तुम उतना बड़ा शासन भिखारी चाहेगा कि मतलब जो शासन व्यवस्था चल रहा पूरा दुनिया परिवर्तन कर देगा? नहीं कर सके, वो जानता है कि मेरे मेरे रिएक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लोअर क्लास तो करेगा ही नहीं, कोई भी रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपर क्लास। अपर क्लास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ है। अगर उन लोगों के पास सब कुछ है तो लोग रिएक्ट क्यों करेगा भाई? सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आपके पास सब कुछ है तो तुम चाहोगे कि ये सिस्टम चेंज हो जाए। अपर क्लास जो वे लोग भी देखो, प्रांतीय जो शासक थे जो ब्रिटिश के रूल के अंतर्गत शासन कर रहे थे वो लोग कभी भी रिएक्शन नहीं किए। बड़े बड़े जमींदार लोग कभी रिएक्ट नहीं किए अंग्रेजी ये नहीं किए। और हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बहुत बार बोला भी हूँ, अगर आप इंडिया का ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ो, जो छोटे छोटे आंदोलन के बारे में पढ़ोगे बिफोर 1857 1857 की क्रांति के पहले, तो सारे क्रांति में देखोगे जो आंदोलन हुआ, हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के खिलाफ हुआ ही नहीं था। ये सारे आंदोलन हुआ था जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, आप संथाल विद्रोह ले लो या ये ले लो वो ले लो, जितना भी कोल विद्रोह ले लो, ठीक है, सन्यासी विद्रोह ले लो, देखना ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, करवाया गया था, लेकिन जो मेन रीजन था वो जमींदार थे। जमींदार जो थे सामान्य जो कृषक होते थे उनका जमीन छीनते। तो अपर क्लास है वो लोग भी विरोध नहीं किए। क्यों नहीं किए? बिकॉज दे हैव एवरीथिंग, सो दे नेवर वांटेड टू चेंज द सिस्टम। अगर सब कुछ आप चाहते हो और सब कुछ आपके अनुसार है, आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सिस्टम कभी चेंज हो। दैट्स व्हाई अपर क्लास भी नहीं किया। अब है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इसलिए करेगा क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फीचर्स है कि उसके पास कुछ है और कुछ नहीं है। बेसिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और वो बहुत ज्यादा पाने के लिए वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। दैट्स व्हाई अगर हम लोग देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हु रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर द फर्स्ट टाइम, और वी कैन से विच ग्रुप, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं बोलेंगे, तो इट इज मिडिल क्लास हु रिएक्टेड। व्हाई नॉट लोअर क्लास? लोअर क्लास ने क्यों रिएक्ट नहीं किया? बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग, दे हैव नथिंग टू प्रोटेस्ट। उन लोगों की बात कोई सुनेगा ही नहीं, उन लोग भी जानता है कि हम लोगों बात कोई सुनने वाला नहीं है। एंड अब व्हाट अबाउट अपर क्लास? अपर क्लास के पास है, दे हैव एवरीथिंग, देन व्हाई दे विल प्रोटेस्ट? वो लोग क्यों करेंगे? सो इट इज से कि जो रिएक्शन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया मिडिल क्लास एज पर द क्या बोले विचारधारा ऑफ क्या बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना था मिडिल क्लास का बहुत मिडिल क्लास का। कार्ल मार्क्स ने सभी आंदोलन में सभी थ्योरी में कहा है कि जो भी आंदोलन जो भी चेंजेस लाया जाता है वो बेसिकली वो फ्रांस की क्रांति ले या कहीं का क्रांति ले, ठीक है, रूस का क्रांति ले, सबने मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रूल था। एंड इंडिया में भी अंग्रेजी सत्ता का सबसे पहले कोई विरोध किया तो वो कौन था? मिडिल क्लास। तो आपसे पूछेगा कौन रिएक्ट किया, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास ने रिएक्ट किया, मध्य वर्गियों ने रिएक्ट किया। अगेंस्ट हम किसके विरोध में किया? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था था उसके विरोध में किया। वेयर? अब ये एक बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुआ? तो बताएगा कहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ? बंगाल में। वेरी गुड, बंगाल में रिएक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ। और बंगाल में ही क्यों हुआ? सर ब्रिटिश का सत्ता तो सत्ता पहले वहीं पे आया था ना। अगर हम लोग ब्रिटिश शासन व्यवस्था देखें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड या हम लोग बोल सकते हैं उस समय इंडिया का कैपिटल था बंगाल, एंड बंगाल में ही ब्रिटिश ने सबसे पहले, ठीक है, अपने शासन को, ठीक है, बहुत ज्यादा फैलाने का प्रयास किया, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इम्पैक्ट प्रभावित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब जहां पे तुमको
शरीर में घाव होगा, मरहम तो वही लगेगा ना। तो वही कारण है कि बंगाल से पहले मतलब हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिश के कब्जे में आया, और इसी कारण हम लोग देखते हैं जो रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ, जो इसके बाद हम लोग थ्रू आउट द इंडिया हुआ, पूरे भारत में हुआ, लेकिन सबसे पहले जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो भी कहाँ हुआ, कैसे क्वेश्चन पता चल रहा है ना, हुआ है। ये जो रिएक्शन हुआ क्यों हुआ, तो आप लोग भी जानते हो इसका, हम लोग एक लाइन में उत्तर नहीं दे सकते। ये तो 150 साल का जो प्रतारण था, ठीक है, क्या होता है प्रतारणा ब्रिटिश शासन व्यवस्था का, ठीक है, जो खून चूस रहा था बहुत तरीके से, ठीक है, हर क्षेत्र से, जिसके एक कारण नहीं बोलते, कई कारणों से भारतीयों ने रिएक्ट किया, ठीक है, एंड हाउ रिएक्टेड इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। ये है एक ओवरऑल तुम्हारा लेसन का है। अब जो जो स्टार्ट हुआ हमको पता है द्वारा हुआ, मिडिल क्लास, किसके द्वारा हुआ, मिडिल क्लास द्वारा ना। तो मिडिल क्लास के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मिडिल क्लास, ठीक है, इंडिया में कैसे आया मिडिल क्लास इंडिया, कृपया माइक बंद कर ले, इंडिया में मिडिल क्लास का उत्पत्ति है। अब बहुत इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, मिडिल क्लास का भी आने में बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था अपने के लिए लाए थे, अपने भलाई के लिए, ठीक है, मिडिल क्लास को मतलब बहुत बढ़ावा दिए थे, और यही क्या होता है अंग्रेजी शासन व्यवस्था पे लास्ट में हावी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे मिडिल क्लास के, पहला कारण आप लोग लिख सकते हो पॉइंट दे करके, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतुष्ट। देखो मिडिल क्लास पहले से था, हाँ ये चीज क्लियर कर लो कि मिडिल क्लास ये नहीं था कि अंग्रेज लाया, ठीक है, हम बोल रहे मिडिल क्लास उदय हुआ, ठीक है, उदय हुआ मतलब वो लोग था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था, ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या था, जो विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया तो क्या करते हैं, वो मिडिल क्लास का आना, पावर में आना, वो बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था का से या हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतुष्ट करना, असंतुष्टि, अंग्रेजी शासन, देखना स्पेलिंग में नहीं, यहाँ पे हिंदी में टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, शासन व्यवस्था असंतुष्ट, असंतुष्ट लिख लो, हाँ नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतुष्ट जो भारतीय थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास थे, वो लोग समझ चुके थे ये चीज को, ठीक है, और जब वो समझ गए थे, अब देखो मिडिल क्लास का आने में ना अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था यहाँ पे, तो 100 साल के बाद हम लोग देखते हैं, ठीक, 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था बहुत ही फैल गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था, एक मिनट, हाँ, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब 100 साल में वो स्थापित हुआ, ठीक है, तो हुआ था क्या, देखो शुरू में ना अंग्रेज, जब ध्यान से समझना बच्चे, हाँ बहुत काम का चीज है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब आया शुरू में तो कोई उन लोग शासन कर रहा था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था पूरे भारत में फैला
तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति जो आए थे 100 आदमी आया था, अब वो उसके लिए क्या पॉसिबल था कि पूरे भारत पे वो अपना साम्राज्य स्थापित करे विदाउट मैन पावर? पॉसिबल नहीं था। और ये भी पॉसिबल नहीं था सारा, अगर तुम जो आकृति का बात करोगे, ठीक है मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड था इतना बड़ा और भारत था इतना बड़ा, ठीक है, तो ये पूरा इंग्लैंड भी इंडिया में आ जाता ना, तो भी वो पूरे भारत में क्या करता, शासन व्यवस्था वो अपने पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सकता। तो इसको लेकर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अगर हमको यहाँ पे अच्छे से रूल करना है, उसको क्लर्क्स चाहिए था, बहुत सारा ऑफिस खुल रहा था, पता है आप लोग, अंग्रेजी कोठी वगैरह खुल रहा था, फैक्ट्रीज खुल रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग चाहिए थे काम करने वाले, वो कहां से आएंगे? तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि भारतीय को ही क्या करें, हम लोग तो हल्का फुल्का शिक्षित करें, ठीक है, और उनको हम लोग अपना काम में लगाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि सारा इंग्लैंड का आदमी यहाँ पे आके अंग्रेज, और बहुत ही लॉयल रहे वो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सिक्का का एकदम ये दे करके एडवर्टाइजमेंट करके उसको शिक्षित करने लगे, और वे जो थे मिडिल क्लास लोग, ठीक है, बहुत सारे पत्रकार, डॉक्टर, ये सब आए, और बहुत सारा मतलब मैनेजमेंट, मैनेजिंग कमिटीज आया जो कि अंग्रेजी सत्ता को हेल्प किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ क्या हो गया कि उन लोगों को समझ में धीरे धीरे यह आने लगा कि भाई हमारे साथ तो यह अत्याचार हो रहा है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था अपने लाभ के लिए सब कुछ कर रहा है। बिकॉज अगर हम लोग देखें टिल 1857 1857 की क्रांति तक देर वॉज नो पोस्ट ऑफ द इंडियन अबव द सूबेदार, सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं दिया जाता था भारतीयों को, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को ऊंचा पद नहीं, सिर्फ नीचा पद दिया जाता था ताकि वो विरोध ना करें। तो ये बात अब धीरे धीरे समझ में आया, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से जो भारतीय थे वो जो कुछ एक दल थे असंतुष्ट हो गए। तो ये पहला कारण था तुम्हारा अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतुष्ट। दूसरा आप कारण लिख सकते हो मध्य वर्ग का उदय में, दूसरा कारण था तुम्हारा लिखो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, ठीक है, हम लोग बता है अंग्रेजों के आने के बाद, अभी मैं ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर ही दिया कि अंग्रेज को बहुत सारे क्लर्क्स, बहुत सारे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता थी, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट किया, और हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग एडुकेट हो रहे हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। हाँ उन लोगों का कुछ योगदान था, लेकिन योगदान के पीछे एक इंटेंशन भी था जो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों लाया है। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो वो लोग बहुत सारे अंग्रेजी ग्रंथ वग्रंथ पढ़ने लगे, ठीक है, बुक वगैरह पढ़ने लगे, और अंग्रेजों का मोटिव उन लोगों का समझ में आने लगा, ठीक है, उद्देश्य समझ में आने लगा। देखो ये चीज अगर चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाइनीज लोग क्या कराया था, चाइनीज हिस्ट्री पढ़ाए थे हम, चाइना का हिस्ट्री, तो वहां पे आप लोगों को बताए थे कि जब अंग्रेज इंटर करते थे चाइना में, वहां पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, बहुत सारा बैरियर्स था, इंटर नहीं किया जाता था, इंटर नहीं करने दिया जाता था, आप लोगों को कू हॉन्ग दल के बारे में पता होगा, और फिर उन लोगों को बहुत लेना पड़ता था। बिसाइड दिस वहां के लोग क्या करते थे, चाइनीज अगर तुमको आता है तभी तुम इंटर कर सकता है, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उल्टा हो गया, वो लोग आकर के हिंदी सीखना तो दूर अंग्रेजी हमको सिखा के चले गए, ठीक है। अभी भी हमारे भारत में क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, आधा जीवन में इंग्लिश नहीं बोलते बोलते रह जाते, आधा जीवन इंग्लिश सीखने में बर्बाद कर देते हैं। अरे नहीं सीखा तो जिंदगी है भाई, इंग्लिश ही सब कुछ नहीं, ठीक है, आगे चलो। चाइना कहाँ हिंदी सीखने जाता है या संस्कृत सीखने जाता है, जाता है नहीं, जापान कहाँ है, हम लोग कहाँ है, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार से एक मिडिल क्लास का उदय होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार का, ठीक है, प्रचार है। तीसरा हम लोग कारण बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो
भू लिख दिया मैं, भू कर लोगे ठीक है, भू प्लीज कर लेना, हमें मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं अभी, क्या करूं, भू राजस्व व्यवस्था, भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब टैक्सेशन ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब देखोगे ब्रिटिशर्स जो थे तीन तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम लोग जमींदारी सेटलमेंट बोलते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, एंड जो इन तीनों सेटलमेंट में हम लोग देखते हैं क्लास डेवलप करता है मोर स्पेसिफिकली इन जमींदारी सेटलमेंट, जमींदार क्लास ठीक है। और ये जमींदार क्लास जो होते हैं ठीक है, ये मिडिल क्लास की होते हैं। अब जमींदार में भी दो दल था ठीक है, कुछ जमींदार में बताया था ना, कुछ जमींदार थे ब्रिटिशर्स के चमचे जो उन लोगों के साथ पे काम करते थे, और कुछ जमींदार जिनको ब्रिटिश पॉलिसी बाद में समझ में आ गया और अच्छा नहीं लगता था ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण क्या आया, भू राजस्व व्यवस्था आया, और भू राजस्व व्यवस्था के कारण हम लोग देखते हैं कि एक जमींदारी व्यवस्था में जमींदार का आना क्या था, भू राजस्व व्यवस्था के तहत ही आया था ना, जमींदार क्लास को पावर दे दिया था, तो ये मिडिल क्लास थे, तो ये भी एक कारण भू राजस्व व्यवस्था के आने का ठीक है जो यहाँ पे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ठीक है, बहुत सारे भारत में ठीक है पत्रकार, वैज्ञानिक, लिपिक, वकील आदि आते हैं ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करते हैं ठीक है। और ये लोग भी ठीक है मिडिल क्लास में आते थे, मिडिल क्लास के आने में बहुत बड़ा योगदान था। नई प्रशासन व्यवस्था के तहत नई क्या बोल सकते हैं हम, नया नया पद आना ठीक है, ये भी एक कारण था। लिख सकते हो नए प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत नए नए पदों का आना, सर फिर से बोलिए तो, नए प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत नए नए पदों का आना, ये चौथा पॉइंट है, आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कारण जिन्होंने, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ ठीक है। अब देखो ये मिडिल क्लास में अगर हम लोग देखें एग्जांपल्स का देखें, अगर आप लोग बंगाल में रेनेसा मूवमेंट करोगे ठीक है, अगर पढ़ोगे ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को छोड़ करके ठीक है, राजा राम मोहन रॉय अपर क्लास के थे ठीक है, बाकी अगर विवेकानंद देखो या स्वामी दयानंद सरस्वती देखो या वैसा लग्न पंडित देखो या ईश्वरचंद विद्यासागर देखो, सब देखना मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से थे, और इन्हीं लोगों के द्वारा ठीक है बंगाल में जो था ठीक है रिनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ, नवजागरण। नवजागरण क्या होता है, जागरण, फिर से जागना ठीक है। नवजागरण का रेनेसा इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसा, रेनेसा को हिंदी में बोलते हैं नवजागरण, और रेनेसा जो का शब्द होता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का फिर से आना, कहा जाता है मनुष्य के अंदर ऑलरेडी ज्ञान था ठीक है, वो ज्ञान जागृत हुआ इसलिए इसको बोला गया नवजागरण या पुनर्जागरण। और नवजागरण आंदोलन के तहत हम लोग देखते हैं यहाँ भी बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं स्टार्ट होते हैं, और ये आंदोलन ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं होता, इनिशियली आरंभ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं होता है, क्योंकि नवजागरण के विचारकों का मानना था कि पहले हम लोग का सोसाइटी में जो बहुत सारा कुरीति है, जो प्रॉब्लम्स है ठीक है, इसको दूर करना पड़ेगा, तभी हम लोग ब्रिटिश से फाइट कर सकते हैं। देखो सती प्रथा प्रॉब्लम था एक, है ना, विधवा विवाह, बाल विवाह ये भी एक समस्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता था, जो मार दिया जाता था बच्चे को अगर लड़की होती थी, ये भी एक समस्या था ठीक है, दास प्रथा ये भी एक समस्या था, बहुत सारे ऐसे कुरीति थे जो भारत में उस समय थी। तो रेनेसा आने से क्या हुआ, एक हम लोग देखते हैं एक रैशनल थिंकिंग, रैशनल मतलब विवेक संगत, लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, हेनरी लुईस बेविन डेरेजियो ठीक है, विवेकानंद, ये लोग बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक नया हिस्ट्री हम लोग देखते स्टार्ट होता है ठीक है। अब इन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग देखते हैं बंगाल में जो सोशल चेंजेस होता है, सामाजिक चेंजेस आता है, बहुत सारे स्कूल्स खुलते हैं, देखिए ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत सारे स्कूल्स खोलना, स्पेशली फीमेल स्कूल जो था, महिलाओं लोग के लिए स्कूल था
ठीक है, क्योंकि अगर उनका मानना था, अगर हम लोग सोसाइटी का बात करते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में जो होती है महिला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सोसाइटी के गठन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उनका अगर हम लोग उत्थान नहीं कर सकते हैं तो सोसाइटी का भी कभी भी उत्थान नहीं होता था। और एक कहावत है, मतलब इसमें मैं पढ़ा था कहीं भी लिखा था कि जो वुमेन होती है, मतलब मेन एंड वुमेन, एक काट होता है ना, अगर गाड़ी होता है ना तो उसके दो पहिए होते हैं, अगर आप एक पहिया निकाल दो बड़ा बड़ा गाड़ी में तो पहिया क्या है, तो गोल गोल घूमेगा, है ना, मतलब सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा अगर जब तक वो पहिया है वुमेन, मेन को भी निकाल दो तो वुमेन नहीं घूम सकता है। सो टू मूव आवर सोसाइटी अहेड, अगर सोसाइटी को आगे ले जाना है तो हमको मेन एंड वुमेन को एक साथ लेकर के जाना पड़ेगा। इस तरह का विचारधारा आप लोग देखते हैं आता है और बहुत सारे चेंजेस आता है जिसके कारण बहुत सारे लीडर्स आते हैं और फाइनली देखते हैं ये विचारधारा एकीकृत होकर के धीरे 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 अब जो भारतीय होते हैं वो लोग भी शिक्षित होने लगते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है और लोगों को ये समझ में आने लगता है कि हाँ भाई भारतीय जो अंग्रेज है हम लोग पे शासन या अत्याचार कर रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं लगभग 100 वर्षों के बाद हम लोग देखते 1857 में इसका एक परिणाम के रूप में एक महाविद्रोह होता है, ठीक है, 1857 की क्रांति, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन धक्का लगने का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था खत्म हो गया, उसका शासन करने का व्यवस्था हम लोग देखते 1857 की क्रांति के बाद परिवर्तित हो जाता है, ना कि खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से कौन कौन लीडर्स लोग ने क्या क्या योगदान दिया, एक एक लीडर के बारे डिटेल में पढ़ेंगे, राजा राममोहन राय, और मैं तीन पे बहुत फोकस करूंगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय और विवेकानंद, ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इनके बारे में पढ़ना चाहिए आपको बहुत कुछ अगर सीखना है तो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो थैंक यू वेरी मच, हेलो।